स्विंग, द स्विंग। पहले हम मैं रीडिंग कर लेती हूँ, उसके बाद समझाऊंगी। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? अप इन द एयर सो ब्लू। ओह, आई डू थिंक इट्स द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन अप इन द एयर एंड डाउन द स्विंग झूला। द राइटर इज और द पोएट इज आर एल स्टीवेंसन। आर एल स्टीवेंसन इस पोएम को आर एल स्टीवेंसन ने लिखा है। वो एक बच्चे बनकर, आपके तरह बच्चे बनकर उन्होंने ये कविता लिखी है, पोएम। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? आपको कैसा लगता है जब आप झूले में बैठकर ऊपर जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? अप इन द एयर सो ब्लू। अप इन द एयर सो ब्लू, जब आप ऊपर जाते हैं तब आपको आसमान क्या नीला दिखता है? अप इन द एयर सो ब्लू, क्या आपको ऊपर जाने से आसमान नीला दिखता है? ओ, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। ओ, आई डू थिंक इट द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। मैं सोच रही हूँ कि ये सबसे अच्छा और सुंदर खुशी की चीज है जो सारे बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? झूले में बैठकर ऊंची ऊंची झूला झूलना। अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड। अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड, जब झूले में हम बैठते हैं तो क्या होता है? झूले में ऊपर नीचे झूलते रहते हैं, कितने ऊपर चले जाते हैं और कभी कभी किसी के वाल के ऊपर भी चले जाते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड। टिल आई कैन सी सो वाइड, जब हम झूले में बैठते हैं झूलते हैं तो हमें बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। टिल आई कैन सी सो वाइड, हम बहुत दूर तक देख सकते हैं। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल, हम क्या देखते हैं? रिवर्स एंड ट्रीज, नदियाँ, पेड़ पौधे, कैटल्स देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द पिक्चर, गाय भेड़े एंड ऑल एंड बहुत सारे चीजें। ओवर द कंट्री साइड, ओवर द कंट्री साइड, हम झूला झूलते समय हम जहाँ पा रहे वहाँ देखते हैं, आसपास की बहुत सारी चीजें देखते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, जब हम झूले से नीचे की ओर आते हैं तो हम क्या देखते हैं? गार्डन की ओर देखते हैं, वहाँ नीचे बहुत सारे घास फूस, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे जिनमें फूल खिले होते हैं। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, घर के जो रूफ्स होते हैं वो कितने ब्राउन ब्राउन दिख रहे होते हैं, आसमान नीला दिखता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, मैं झूले में बैठकर ऊपर जाना चाहूंगी। अप इन द एयर एंड डाउन, मैं ऊपर जाऊंगी एंड नीचे आऊंगी। अप इन द एयर एंड डाउन, फिर से रीडिंग कर लेते हैं।
Till I looked down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air, I go flying again. Up in the air and down. चलिए इसके द स्विंग के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. Read and find. Complete the sentence with the most suitable words. Complete the sentence with the most suitable words. एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके लिए तीन ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस. उनमें से कोई एक ठीक है. द मोस्ट प्लीजेंट थिंग फॉर ए चाइल्ड इज. द मोस्ट प्लीजेंट थिंग फॉर ए चाइल्ड इज डैश. गोइंग अप ए हिल, गोइंग टू द रिवर, गोइंग अप इन ए स्विंग. Going up a hill, going to the river, going up a swing. इन तीनों में से बच्चे को किस पर बैठना और किस पर ऊपर जाना अच्छा लगता है? झूले में हमने अब स्विंग पढ़ा. The most pleasant thing for a child is going up in a swing. स्विंग में बैठकर ऊपर जाना उसे बहुत पसंद है. नंबर टू, when the child goes up in the swing, she can dash. When the child goes up in the swing, she can dash. जब बच्ची या फिर बच्चा ऊपर जाता है तो वो क्या दिखता है? See the air, see the birds, see the wide countryside. क्या वो पक्षियों को दिखता है या फिर आसमान को? नंबर सी, सी द वाइल्ड कंट्री साइड. देश में या फिर वहां के बहुत सारे दूर दूर तक दिखती है कंट्री साइड. तो यहाँ आंसर होगा, व्हेन द चाइल्ड गोज अप इन द स्विंग, सी कैन सी द वाइल्ड कंट्री साइड. सी कैन सी द वाइल्ड कंट्री साइड. नंबर टू, structures. Make five sentence from this table. Make five sentence from this table. पहले पढ़ लेते हैं. I waited, she slept, we played, the child cried, he worked hard. Right वाले sentence पढ़ लेते हैं. It was dark, the sun rose, he succeeded, the rain stopped, the mother came. तो बीच में till को यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है. I waited, the first sentence is I waited till. मुझे वेट करना पड़ा कब तक? The still I waited till the rain stopped. जब तक बारिश रुक न जाए मुझे वेट करना पड़ा. I waited till the rain stopped. I waited till the rain stopped. Number two, she slept. वो सो गई. कब तक सोती रही? She slept till the sun rose. She slept till the sun rose. वो सोती रही जब तक सुबह ना हो जाए या फिर सन रोज ना हो जाए. नंबर थ्री, वी प्लेड टिल. हम खेलते रह गए. टिल इट वॉज डार्क. वी प्लेड टिल इट वॉज डार्क. अंधेरा होने तक हम लोग खेलते रहे. वी प्लेड टिल इट वॉज डार्क. द चाइल्ड क्राइड. बच्ची रोती है. द चाइल्ड क्राइड टिल द मदर केम. द चाइल्ड क्राइड टिल द मदर
केम, जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती वो रोती रही। नंबर फाइव इज ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड टिल ही सक्सीड, जब तक सफलता ना मिल जाए वो काम करता रहा। ही वर्क हार्ड टिल ही सक्सीड। आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, द स्विंग।